समर्पण होना चाहिए। मैंने बंदूक रख के जंगल में घूमने का क्या मतलब है? नक्सलियों के लिए ही नहीं भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सुरक्षा बलों के लिए भी कह रहा हूँ, उनको भी क्यों जरूरत पड़ती है? डिप्टी सीएम विजय शर्मा का आज जहां कवर्धा आगमन हुआ, वहीं जहां भैंसाबोड़ा के तालाब में दो बच्चों के डूबने से मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों से भी मिलने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा उनके घर पहुंचे। इसके साथ ही ग्राम भैंसाबोड़ा में की जो जानकारी हमें मिली है उसे आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के दो बच्चे खेलते खेलते तालाब पहुँच गए, जहाँ डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही श्री शर्मा ने परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से चर्चा किया तो आखिर बताना क्या कुछ कहा? तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनको समर्पण होना चाहिए। मैंने बंदूक रख के जंगल में घूमने का क्या मतलब है? नक्सलियों के लिए ही नहीं भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सुरक्षा बलों के लिए भी कह रहा हूँ, उनको भी क्यों जरूरत पड़ती है? नक्सलियों को क्यों जरूरत पड़ती? मुख्य धारा में चलें, लोकतंत्र को अपनाएं और देश और समाज की उन्नति करें। वार्ता नहीं, नहीं, मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा कुछ होगी, खंडों में हो, पूर्णता में हो, एक अलग विषय, परंतु होगी। और पूरे बस्तर में खुशी का माहौल होगा, पूरा बस्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, ये पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। और शीघ्र ही होगा। पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है, उसको वो सबका सबकी जिम्मेवारी है, सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी, और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के आप सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए उनके हाथ में भी वो विषय देकर के, जिसमें ईमेल आईडी, इसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विषय रखने की। थैंक यू भैया। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल खबर योद्धा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। एक चीज़ और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप खबर योद्धा.com में भी पूरे खबरें पढ़ सकते हैं। आप सभी का पुनः